नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आधार पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने से सरकार को सालाना 90,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 6.25 लाख से अधिक सस्ते आवास के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस योजना के तहत अब तक निर्माण के लिए मंजूर किए गए आवास की संख्या 60 लाख से अधिक हो गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने बुधवार को कहा कि उसने सरकार से 5,441 करोड़ रुपए का पूंजी समर्थन मांगने की योजना बनाई है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक दिन पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को हर तरह का समर्थन देने का आश्वासन दिया है। पंजाब नेशनल बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी सूचना में कहा है कि बैंक निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार को होगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को नई दूरसंचार नीति को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति को राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का नाम दिया गया है। इससे सरकार को 2022 तक क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने और 40 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। वहीं रुपए की गिरती कीमत के मद्देनजर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कई तरह के सामानों के आयात पर शुल्क बढ़ा दिया गया है। इसके तहत बाहर से आने वाले एसी फ्रिज, 10 किलो से कम के वॉशिंग मशीन और हवाई ईंधन महंगे हो जाएंगे। कुल मिलाकर 19 सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में आप बने रहिए ई मिस्ट्री के साथ। नमस्कार। जेनुइन सेल्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्क के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनुइन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।